इसमें डाला है समोसा, ऊपर से हमने डाला है धनिया फुदीना की चटनी, वो भी मेरे पास रेडीमेड थी तो मैंने वही डाला है उसके ऊपर, सेव और जो कच्चे प्याज रखे थे वो ऊपर से डाला है, बस रेडी। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम टू कुछ एंड डायरीज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मौसम की क्या जानकारी दो, लगता है आज बारिश होगी क्योंकि आज छुट्टी है। छुट्टी के दिन हमेशा बारिश होती है क्योंकि आज अभी तक देखो सन का कोई ठिकाना नहीं और बादल तो जबरदस्त है। ओह माय गॉड, सी दिस। तो इसीलिए अभी जल्दी से वॉक करके वापस घर जाता हूँ क्योंकि आज पूर्वी घर पे है, उसने बोला मैं अभी नहीं आऊँगी, शाम को ही आऊँगी, आज मुझे आराम करना है। मैंने बोला ठीक है, टेक रेस्ट एंड एन्जॉय। अभी बहुत बहुत ही बढ़िया है एटमॉस्फेयर ऐसे, क्योंकि ना गर्मी है ना एकदम ठंडी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे कूल एटमॉस्फेयर। इसमें एक्सरसाइज करने का मज़ा ही कुछ अलग है, रियली अभी एक्साइटमेंट है, थोड़ा ज़्यादा आज एक्सरसाइज रनिंग कर लूँ। सी द व्यू। तो चलो अभी घर चलते हैं, हो गया है वॉकिंग एंड रनिंग, तो चलते हैं अभी घर जाके। आज तो मस्त नाश्ता और चाय पियेंगे, मज़ा करेंगे आज, थोड़ा बाहर भी शायद घूमने जाएंगे, छुट्टी है तो। और अभी सन भी थोड़ा फोकस कर रहा है अभी धीरे धीरे, तो चलो कोई नहीं, आज उनकी भी छुट्टी है ऐसा लग रहा है, यू नो एवरीवन नीड्स सम ब्रेक टू रिलैक्स। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो आज आपने हमारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया? यस, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी, बटा का पौवा उसके साथ लिया जाएगा, अदरक पुदीना वाली चा वो भी रेडी है ऑलमोस्ट। तो संडे, इस बार संडे छुट्टी है तो मजा करेंगे, मजा करेंगे, बहुत कुछ खाएंगे, घूमेंगे, देखते हैं आज का दिन, सोचा तो बहुत है, देखते हैं होता कितना है। हाँ। क्योंकि हमारा तो कभी भी फ्लॉप हो जाता है। हाँ। प्लान कभी चेंज हो जाए पता नहीं चलता। ठीक है, अभी इसके ऊपर जाएगा ये गार्निशिंग हो गया है। ओके, गार्निशिंग बहुत जरूरी है, देखने में भी अच्छा होना चाहिए ना, खाने में कैसा भी हो। मैंने कहा देखने में अच्छा होना चाहिए, खाने में कैसा भी हो, वो नहीं चलेगा, देखना तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, खाने में भी अच्छा होना चाहिए, चाहिए टेस्टी होना चाहिए। हाँ, आप ऐसे भी बहुत टेस्टी बनाते हो। तो काफी दिनों बाद हम मॉर्निंग में साथ में नाश्ता कर रहे हैं, यू नो बहुत बाकी वो उसका मंडे होता है। हाँ, ना मंडे वही थे, घनी बार संडे मंडे छुट्टी है मेरी,
पर मोस्टली संडे को मैं जाती हूँ, बोलने ही नहीं देती ये लड़की लोगों का यही थी। और मंडे को मेरा फास्ट रहता है, इसलिए सुबह नाश्ता ऐसे हो नहीं सकता है। आज मजे कर रहे हैं, मजे हाँ, सब लिटरली संडे एंजॉय कर रहे हैं। आज लग रहा है हाँ छुट्टी है। मैंने भी देखो क्लीन शेव कर दिया, मस्त लग रहा हूँ ना। क्यों लागो मैं ही दिखने वाली हूँ। अमन क्यों लागो अरे एकदम चकाचक, एकदम चकाचक है। तो आज हम थोड़ा दोपहर को भी थोड़ा मस्त कुछ बना के खाएंगे और फिर कुछ प्लान कर रहे हैं, कहीं पे घूमने जाएंगे अभी, देखते हैं आफ्टरनून में। आपको क्या खाना है आज लंच में वो बताओ। आप जो बनाओगे हम खा लेंगे, कि मैं बना के दूँ? नहीं 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 नहीं, आज मेरा टर्न है। अच्छा आज आपकी तरफ से, ठीक है आज आप मजा कीजिए, हाँ, आपकी छुट्टी है। चलो तो वो क्या बनाते हैं वो आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। छुट्टी का मजा लिया जा रहा है, साथ में रिलैक्स कर रहे हैं, बैठे हैं बाहर। मैं भी हूँ, डोंट वरी। तो हमारे भी आवा पड़ा है, तो मैं अकेला आऊँ तो थोड़ा चल रहा है। साथ में मजा कर रहे हैं बैकयार्ड में, बैकयार्ड में मस्त बैठ के आराम कर रहे हैं। संडे फीलिंग आ रही है, संडे फीलिंग। तो दोपहर हो चुकी है, दोपहर हो चुकी है, खाना भी रेडी हो चुका है, तो अभी जाके खा लेते हैं, फिर कहीं निकलते हैं। मचाएंगे अभी कुछ भी प्लान नहीं है किधर जाना है, बस निकल जाएंगे, बस निकल जाते, देखते हैं फिर कहाँ जाना है। इधर उधर घुमा देंगे, फिर रास्ते में डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। जहाँ से कोई कुछ भी ले सकता है। तो सोच लिया है अभी जा रहे हैं हम डॉलर ट्री में, यहाँ का एक नॉर्मल स्टोर है, अभी सारी चीजें $1 में होती है। 1.25 अब बढ़ गया है आपने बताया। बाकी चीजें भी होती है थोड़ी, मतलब $2-3 वाली भी, बट $1 का ही मैक्सिमम होता है। तो वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग है, फिर निकलते हैं हम। आपको भी दिखा दे डॉलर ट्री कैसा है। हाँ, डॉलर में क्या मिलता है, $1 में क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो पहुँच गए हैं हम डॉलर ट्री, ये काफ़ी बिजी है, देखो फोन में लगे हैं, ऐसा उनका पति देव उनके साथ है और ये फोन में लगे हैं। हाँ तो वो भी थोड़ा देखना पड़ता है किसी का क्या आ जाए कब, ठीक है। ये सारा फ्रोजन एरिया है, ये पूरा फ्रोजन एरिया है। देखो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये फॉइल इसमें कर सकते हैं इसमें आ जाएगा सारा कुछ। एक्चुअली हम कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके लिए ढूंढ रहे हैं, अगर वो सक्सेस हुआ तो आपको दिखाएंगे। हाँ एक ले लो थोड़े दिन के बाद, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं मुझे, एक जगह ठहरते ही नहीं। हाँ तो जल्दी से देख लो क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है ना। हाँ चलो, इसलिए थोड़ा जल्दी क्योंकि इम्पोर्टेंट जो लेने आया है ना वो देख रही हूँ मैं। हाँ तो देख लो, चलो ये बाकी पूरा, सब ये पूरा। हाँ हाँ तो आप में प्लास्टिक का काम नहीं है तो चलो आगे, कुछ काम नहीं है तो बस यहाँ कुछ काम का नहीं है। ये देखो खाली, हाँ, कुछ मिला नहीं, जो लेने आए थे वो भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है ये 3 दिन की छुट्टी में सब लोग ने सब कुछ खाली कर दिया, पूरा स्टोर। देखो पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली है। चलो अभी दूसरी जगह देखते हैं। ओके चलो तो फिर ऐसे ही मुंह उठा के आ गए, कुछ मिला नहीं। चलो ऐसे मुंह मत लटकाओ, हम कहीं घूमने जाना है। चलो जो लेने आए थे मेन वही नहीं मिला। हाँ तो भी जो मिला वो उसमें खुश रहो। चलो अभी देखते हैं दूसरी जगह जाते हैं, उधर मिल जाए तो कुछ। चलो
मॉल में जा रहे हैं, तो वहाँ जाके आपको डिटेल्स देता हूँ कौन सा मॉल है। और बीच में एक रुकावट आ गया था, जो अनएक्सपेक्टेड था वो काम हो गया, तो गुड। अभी जा रहे हैं हम, ठीक है। पहले ये वटा, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, उसको और पोटैटो को उबाल दिया है। मैंने उबालते टाइम थोड़ा सॉल्ट और थोड़ी हल्दी डाल दी थी, इसलिए देखो इसका कलर थोड़ा येलोइश है, राइट, है ना, इसलिए। अभी लॉन्ग हो चुके हैं तो मैं थोड़े प्याज डाल दूंगी, थोड़ा सही प्याज, लहसुन की चटनी वो भी थोड़ी ज़्यादा डालो, उसका टेस्ट आएगा लहसुन का प्याज के साथ। जैसे ही वो थोड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर डाल देंगे हम। मैंने सबकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी रखी है, टमाटर भी हो चुके हैं थोड़े। अब हम डाल देंगे ऊपर से लाल मिर्च, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करो तो उससे वो कलर भी पकड़ेगा। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, इतना डाल के वापस उसको मिक्स कर दो। और अभी टमाटर भी हो चुका है तो हम इसके अंदर भी मसाले में पूरा उसके साथ मिक्स हो जाए, उसका टेस्ट आ जाए रगड़ा के अंदर। स्वाद अनुसार सॉल्ट मैंने जब कुकर में उबालने रखा था ना तब भी डाला था। इसमें डाला है समोसा, ऊपर से हमने डाला है धनिया फुदीना की चटनी, वो भी मेरे पास रेडीमेड थी तो मैंने वही डाला है उसके ऊपर। सेव और जो कच्चे प्याज रखे थे वो ऊपर से डाला है, बस रेडी। तो खाना खा लिया, बैठे हैं और आज नाइट स्पेशल क्या है ये, फालूदा। चलो तो अभी आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं, हम भी फालूदा एंजॉय करते हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। गर्मी में फालूदा पीना बहुत अच्छा है, ठीक। तो कल मिलते हैं, टिल देन स्टे ट्यून टू पूजन डायरीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, टेक केयर, चीयर्स टू एवरीवन।